वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपके साथ एक नया हॉल वीडियो लाई हूँ जो कि किचन के रिलेटेड आइटम्स है। कुछ मैंने ऑनलाइन अमेजोन से परचेज़ किए हैं, कुछ मैंने बिग बाज़ार से परचेज़ किए हैं और कुछ मैंने लोकल स्टोर से परचेज़ किए हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में सारे उन आइटम्स के बारे में बताऊँगी जो मैंने परचेज़ किए हैं, शायद वो आपके लिए यूज़फुल हो। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट डाउन करके बताइएगा आपको कैसा लगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। हाँ, और जो भी प्रोडक्ट्स का जो लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, तो अगर इन केस आपको कुछ परचेज करना हो तो आप वहाँ से डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो मेरा है ये ब्यूटिफुल से ट्रांसपेरेंट जार्स। ये ट्रांसपेरेंट लिड के साथ आते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन है इसका। जो शेप है वो क्यूब शेप जार्स है ये, और जो इसकी कैपेसिटी है वो है 400 ml ईच, और ये सेट ऑफ 5 में आते हैं। अगर ये 400 ml की कैपेसिटी है तो आप इसके अंदर 250 से 300 ग्राम का सामान इजीली स्टोर कर सकते हैं। ये एयर टाइट लिड है इसकी, तो आपके जो अंदर रखा हुआ सामान ख़राब नहीं होगा। और ये जो ब्रांड है वो है स्टार वर्क का ब्रांड। बहुत ही ब्यूटीफुल से जार्स है, इसमें आप अपना कुछ भी ड्राई स्टोरेज, जैसे आपने ड्राई फ्रूट्स रख सकते हो, या आपने जो पाउडर मसाले होते हैं, या जो आपके खड़े मसाले हैं, कुछ भी आप इसके अंदर रख सकते हो। इसमें आपका सामान फ्रेश रहेगा। और सबसे बड़ी बात है जो इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये मैंने सेट ऑफ 5 ख़रीदा, वो था 440 for 5। तो मुझे बहुत ही अच्छी डील लगी, ये मैंने अमेजोन से परचेज़ किया है। और मैंने इसको अपने मेनली छोटे छोटे स्नैक्स होते हैं उसको रखने के लिए मैंने लिए हैं, इस जार्स को ख़रीदा है मैंने। आप कुछ भी, आप अपना जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर से जार है, और जो इसकी ग्लास की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी, बहुत स्टर्डी ग्लास है, बहुत हैवी है। ऐसा नहीं कि बहुत हल्का ग्लास है, हैवी ग्लास है ये। तो ये है मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट जो कि है जार्स। जो सेकेंड प्रोडक्ट है वो है ये मेरा ब्यूटीफुल सा कैंडी जार। ये देखिए कितनी सुंदर इसकी डिज़ाइन है, इसकी बहुत ही प्यारा सा पीस है ये। ये मैंने बेसिकली अपने डाइनिंग टेबल पर रखने के लिए, जैसे कुछ कैंडीज डाल के आप रख सकते हो, या कुछ भी आपको रखना हो उसके अंदर आप रख सकते हो। ये सेट ऑफ 2 में भी आते हैं, सेट ऑफ 4 में भी आते हैं। मैंने एक ही पीस लिया है इसका, मुझे इसका डिज़ाइन बहुत सुंदर सा लगा तो मैंने इसको परचेज़ किया। और ये ग्लास का बना हुआ है, और इसमें भी अलग अलग डिफरेंट साइजेस आते हैं, शेप्स आते हैं, जो भी आपको पसंद आए वो आप परचेज़ कर सकते हैं। और आई थिंक इसकी जो कैपेसिटी है वो है आई थिंक 160 या 180 ml, ऐसा ही कुछ है इसका। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी, और जिसका प्राइस है वो है 160। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस रेंज में लगा मुझे, और जो इसका मटेरियल है बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये है मेरा सेकंड परचेज। जो थर्ड परचेज है वो है ये मेरा फ्रूट बोल। ये सोगो ब्रांड का है, ये मैंने बिग बाज़ार से परचेज़ किया था। मैं आपको एक बार खोल के दिखा देती हूँ। बहुत ही सुंदर सा ये जार है, इसके अंदर जो इसकी डिज़ाइन की हुई बहुत ही प्यारी है, ये देखिए। ये आप इसको मल्टीपर्पज़ बोल की तरह यूज़ कर सकते हैं, अगर आप फ्रूट्स रखना चाहें तो आप इसमें फ्रूट्स रख सकते हैं, या जैसे आप अपनी सेंटर टेबल पे या डाइनिंग टेबल पे इसे, इसमें रोज़ पेटल्स डाल के कुछ टी लाइट लगा के आप इसके अंदर रखेंगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा आपकी सेंटर टेबल पर या डाइनिंग टेबल पर। या आप इसको फ्रूट्स की तरह, फ्रूट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं अपने किचन काउंटर टॉप पर, तो बहुत ही क्लासी लुक देगा आपकी किचन को, ये देखिए। और काफ़ी बड़ा साइज़ है इसका, ये छोटा साइज़ नहीं है, काफ़ी बड़ा साइज़ है इसका, और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। मतलब मुझे तो बहुत अच्छा परचेज़ लगा ये। ये मेरे बिग बाज़ार में बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, आई थिंक आप चेकआउट कर सकते हैं, बिग बाज़ार से मैंने लिया है इसको। जो इसकी ओरिजिनल प्राइस थी वो थी 495, लेकिन मुझे डिस्काउंट में ओनली 199 में, 200 में मिला है मुझे। तो आई थिंक इट वॉज़ अ ग्रेट डील, इट्स अ स्टील डील,
तो सबसे अच्छा जो मेरा परचेज कह सकती हूँ मैं आपको, ये परचेज है मेरा, बहुत ही क्लासी लुक का ये बोल है। तो ये है मेरा फोर्थ परचेज, सॉरी थर्ड परचेज। जो नेक्स्ट है वो बड़ी अच्छी चीज़ है, देखो आप ऐसे, मैं पहले आपको इसकी पैकेजिंग बता देती हूँ। ये भी मैंने अमेजोन से परचेज़ किया है, बहुत अच्छी पैकिंग आती है अमेजोन की। और इसके कंटेनर, सॉरी जो अमेजोन का बॉक्स होता है उसके अंदर ये पाउच में ये मुझे रिसीव हुआ है, बहुत ही प्यारा सा वेलवेट का पाउच है। और जो इसके अंदर जो चीज़ है मैं आपको बता देती हूँ, वो है ये स्ट्रॉस, स्टील स्ट्रॉस, ये देखिए, ये दो एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रॉस है और दो ये बेंड स्ट्रॉस है, ये देखिए। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट लगा मुझे ये, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट परचेज ऑफ माई दिस दिस किचन हॉल, किचन हॉल। देखिए मैं आपको एक एक बता देती हूँ, बहुत ही सुंदर सा है स्ट्रॉ, और एक दो स्ट्रेट और दो बेंड है, जैसे कि हम जैसे हम आज के टाइम हम बहुत ज़्यादा प्लास्टिक्स हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, अवॉइड करते हैं, और हमें प्लास्टिक्स को अवॉइड करना ही चाहिए जो फूड ग्रेड प्लास्टिक ना हो। तो इसलिए इसलिए मैंने ये स्ट्रॉस खरीदे, क्योंकि जैसे भी जैसे हम बच्चे वगैरह होते हैं, अगर कोकोनट वाटर पीते हैं या कुछ शेक्स है, कुछ जूस है, तो हम इस अगर ऐसे स्ट्रॉज को यूज़ करेंगे तो आई थिंक इट्स दिस इज़ बेस्ट प्रोडक्ट, और प्लास्टिक भी यूज़ नहीं होगा, और ये रीयूजेबल है, और इसको क्लीन करने के लिए इन्होंने एक बहुत ही अच्छा से एक ब्रश भी दिया है, आप इसको अंदर डाल के ऐसे क्लीन कर सकते हैं, आप क्लीन कर सकते हैं। तो इन केस आपका अगर अंदर से कुछ गंदा वंदा हो जाए, कुछ जम जाता है, तो आप इसके अंदर आराम से इसको डाल के ऐसे करके इसको क्लीन कर सकते हैं। तो ये ब्रश भी दे रखा है, तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा परचेज है मेरा, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये। और जो इसका प्राइस मैंने पे किया था वो था 169, जिसमें टू मुझे ये स्ट्रॉस, टू ये वाले स्ट्रॉस, और एक ये ब्रश, क्लीनिंग ब्रश। आई थिंक ये सबको परचेज करना चाहिए, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये, और बहुत ही अच्छे ये पैकेट में मुझे रिसीव हुआ है। सो दिस वॉज माई नेक्स्ट परचेज। और फिर कुछ कुछ मैंने अभी प्लेटर्स खरीदे हैं, चॉपिंग बोर्ड और प्लेटर्स, वो भी आपको बताती हूँ मैं। तो ये है, सबसे पहले मैंने ये चॉपिंग बोर्ड लिया है, वुड का बना हुआ है, हैंडक्राफ्टेड है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, ये मैंने कुछ लोकल स्टोर से ही लिया है। और इसके अंदर आप देखिए एक ये रोप दे रखी है, आप इसको कहीं हैंग भी कर सकते हैं, और आप सिर्फ चॉपिंग बोर्ड की तरह ही नहीं, आप इसको अपने एक प्लेटर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी प्लेटर सर्व कर सकते हैं, तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा इसके ऊपर, बहुत अच्छा साइज है, क्वालिटी बहुत अच्छी है बोर्ड की, और जो प्राइसिंग है वो बहुत ही अमेजिंग है, ओनली 150 रुपीज़। क्वालिटी को देखते हुए और साइज़ को देखते हुए मुझे बहुत इसका बहुत अच्छा प्राइस लगा, इसको बहुत ही अफोर्डेबल लगा। तो ये है मेरा नेक्स्ट परचेज। सिमिलरली सेकेंड मैंने ये प्लेटर्स खरीदा है, ओवल में, ओवल शेप में, ये भी सेम क्वालिटी का है, सेम मटेरियल का है, ओनली शेप्स चेंज है इसके अंदर। ये आप इसको एज ए प्लेटर की तरह यूज़ कर सकते हैं, जैसे कबाब सर्व करने के लिए, या कुछ भी मोमो सर्व कर सकते हैं आप, कुछ भी आप पनीर टिक्का वगैरह हो गया आप इसमें सर्व करेंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल सा लगेगा। बट मैंने इसको एज ए ऑर्गेनाइजर की तरह यूज़ करने के लिए लिया है, जैसे कि ऐसे मैं इसके अंदर कुछ अपने ड्राई फ्रूट्स रख के उसको अपने, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, अपने डाइनिंग टेबल पर या अपने सेंटर टेबल पे प्लेस करूँ तो बहुत ही सुंदर लगेगा ये। तो आप इसको एज अ प्लेटर भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ सर्विंग ट्रे भी यूज़ कर सकते हैं इसको। तो ये भी जो मुझे प्राइस है वो सेम ही था, 150। तो ये मेरा नेक्स्ट परचेज। और जो मेरा लास्ट परचेज है वो है ये राउंड सा प्लेटर, ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है, बहुत ही अच्छा प्लेटर है, इसको भी मैंने एज आप प्लेटर की तरह यूज़ तो कर ही सकते हैं,
मैंने इसको अपने ऑयल बॉटल्स वगैरह रखने के लिए इसको लिया है, अपने कुछ ऑयल बॉटल्स और घी की जो कंटेनर्स होते हैं वो मैं अपने किचन काउंटर टॉप पे इसको प्लेस करके दिखाऊंगी आपको। जब भी मैं आपको ये प्लेस करूंगी मैं आपको इसका वीडियो ज़रूर शेयर करूंगी। तो ये भी, इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत स्टर्डी है, ऐसा नहीं कि बहुत हल्का वुड है, नहीं बहुत अच्छा वुड है ये। इसका भी मैंने 150 प्रे किया था, तीनों का मुझे 150 मुझे थ्री पीसेस पड़े थे। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी नाइस प्रोडक्ट। अगर इसका सिमिलर कुछ प्रोडक्ट या लिंक होगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। तो ये था मेरा लास्ट परचेस। होप सो आपको ये चीज़ मेरी सारी जितनी परचेस मैंने करी है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।